देखभाल करते हैं परिवार के सदस्य के रूप में, ये एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत बड़ा जिगर चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके किसी के खून निकल रहा होता है, कोई किसी दर्द में होता है, उस दर्द में उनको संभालना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मानव सेवा जो कर रही हैं, इनके लिए हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये हर प्रकार के व्यक्ति को वापस ठीक करके उनके परिवार के सदस्यों के बीच में उनको भेजती हैं। उस परिवार का इनको जो दुआएं मिलती है वो बहुत ही अच्छी हैं, और उन दुआओं की वजह से हम वो परिवार आगे बढ़ पाता है। इनके हाथों में हर जीव हर प्राणी इनके हाथों से होके जाता है। मैं चाहूँगी कि इनके आगे आने वाले भविष्य में इनको ये अधिकार दिया जाए कि जो मेडिसिन हैं डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि ये खुद भी कर सकती हूँ, क्योंकि इनमें इनका पूरा डिप्लोमा दिया हुआ होता है, तो जब भी इमरजेंसी आए तो ये खुद दवाइयों को दें। उस माँ ने उस साधु को पूछा, ये बात तो आप 15 दिन पहले कह सकते थे, मुझे आज क्यों कह रहे? तो साधु ने कहा, 15 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैंने छोड़ा, 15 दिन हो गए, कोई मैं कहने की क्षमता रखता हूँ अब कि बेटा गुड़ नहीं खाता। हमारे यहाँ इस बात की कमी रही, जो लोग ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो लोग भाषण देने वाले लोग हैं, जिनको करना था वो केवल ज्ञान देकर के अपनी इतिश्री कर ली, वो केवल भाषण देके ज्ञान देके, और उनका व्यक्ति के जीवन जब देखते तो वही वैसे ही उसमें लिप्त होंगे। इसीलिए पहले स्वयं करना, उसके बाद दूसरे से करना, यहां तक तो ठीक है, परंतु दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा नीति, आपने देखा होगा, आज एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम अंग्रेजी में होते हैं। ये आजादी के बाद का खेल है। दुर्भाग्य से ठेठ गांव का बच्चा, खेरोदा का बच्चा, जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पहले अंग्रेजी पढ़ेगा, अंग्रेजी में कंपटीशन देगा, उसके बाद वो परीक्षा पास हो सकता है। इसका मतलब अंग्रेजी नहीं आती है वो तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, वो इंजीनियर बन नहीं सकता। तो बेसिकली हमारी शिक्षा पद्धति में ही दोष है। और बंधुओं, अनेक बहने बैठी हुई, हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारे सब में अंग्रेजी का भूत सवार है। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, हमारे सब में अंग्रेजी का भूत सवार है, और भूत सवार यहां तक है कि मेरे बच्चे अंग्रेजी मीडियम पढ़ने चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, संसार में 200 देश में आपको पता, अंग्रेजी केवल 6 देशों में बोली जाती, 6 देशों में अंग्रेजी बोली जाती। अंग्रेजी हमारी संपर्क भाषा हो सकती है, क्रिकेट हमारा संपर्क, एक दूसरे से बैल जोल के क्रिकेट खेल हो सकता है, परंतु हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, उसके बाद मातृभाषा, जिसको राष्ट्रभाषा के नाम से बदनाम किया हिंदी को, हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। हमारी मातृभाषा कौन सी? जो माँ द्वारा सिखाई जाए वो भाषा। अब आप सोचिए, अगर राजस्थानी में या कन्नड़ में या तेलुगु में या बंगाली में कंपटीशन एग्जाम की पुस्तक होती, वो गांव का बच्चा कितना आगे बढ़ता। परंतु भूत सवार, और सबसे पहले, और अंग्रेजों ने दिमाग खराब यही किया, इनका पहले दिमाग खराब करो, इनके मस्जिद में छोड़ करो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। इनकी शिक्षा पद्धति के दोष है। इसलिए आपने देखा, हमने छोटे से पढ़ा था भाई, आपने अनेक बातें हमारे उसने देखा होगा, वास्को दी गामा ने भारत की खोज की, यही पढ़ा आप सबने, यही पढ़ा ना, वास्को दी गामा ने भारत की खोज की, वास्को दी गामा भूले भटके गोवा के तट पर आ गया। हमारी भारत की खोज कैसे हो सकती है? अरे 1,00,000 वर्ष का सतयुग था, फिर त्रेता युग था, फिर द्वापर था, और अभी कलयुग चल रहा है जिसका 5,000 वर्ष चल रहा है। इनका तो जन्म भी 2023 के पहले हुआ नहीं है क्या? क्या भारत की खोज? अनेक बातें ऐसी कही जा सकती है इतिहास की, जो उसके कारण हमारे मन पर ऐसे संस्कार हुए, उसके कारण जिस गीता को हमने फिल्मों में देखा होगा, गीता की जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चों को गीता नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि बेसिक आखिर प्रेरणा आपने किससे लेगा, संस्कार कहां से आएंगे हमारी पुरानी पीढ़ी को देख करके? क्योंकि अनेक लोग इतिहास कैसे होंगे, आपने देखा अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, सबको पता उनका इतिहास केरल में, और अखबार बेचते बेचते उन्होंने देहरादून में
वहां इंटरव्यू दिया सेना के लिए, उनका सिलेक्शन नहीं किया और बाद में कहां जाके कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए और भारत के राष्ट्रपति बन गए। इसीलिए जो लोग प्रयत्न करते हैं स्वयं के प्रति ईमानदार होकर के और प्रयत्न करते हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिन्होंने नीचे से लेकर के ऊपर चढ़े। दो उदाहरण मैं बच्चों के सामने स्कूल में जाता हूं देता हूं, अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर को सब जानते हैं ना। इन दोनों ने शिमला आकाशवाणी में अनाउंसर के लिए इंटरव्यू दिया, दोनों को रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारी आवाज भारी है तुम्हारा इंटरव्यू के तुम आकाशवाणी में नहीं बोल सकते। आज कहां पर है हमारी शिक्षा पद्धति इन लोगों से। ये सुप्रीम कोर्ट स्वामी अभी है अपने केंद्र में है दिल्ली में, उन्होंने एक बार हमने उदयपुर यूनिवर्सिटी उनको बुलाया था, उन्होंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने सिलेक्शन नहीं किया, मैं अमेरिका चला गया ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने लग गया, वहां 12-13 साल पढ़ाया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की चिट्ठी आई कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू है, एक्सपर्ट के नाते आपको आना है। जिस यूनिवर्सिटी ने उसका सिलेक्शन नहीं किया केवल प्रोफेसर के लिए, वो यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट के नाते उनको बुला नहीं। ये शिक्षा पद्धति का दोष है। इसीलिए नई शिक्षा पद्धति आपको आश्चर्य होगा, भोपाल यूनिवर्सिटी ने सारी किस्म के मेडिकल के इंजीनियरिंग के सारे प्री एग्जाम हिंदी में प्रारंभ कर दिए। हम हिंदी किसी को थोपना थोड़ी चाहते हैं, कर्नाटक का बच्चा है मान लो वहां कन्नड़ बोलता है, या तेलुगु बोलने वाला आंध्र का बच्चा होगा, या मलयालम का केरल का बच्चा होगा, वो अपनी मातृभाषा में एग्जाम देने कहां विरोध है। पर ये शिक्षा पद्धति के दोष के कारण आज धीरे धीरे राजस्थान में भी आपने देखे होंगे नर्सिंग की आज 10-15 साल पहले क्या स्थिति थी, कितने कम लोग थे डॉक्टर, कितने कम लोग थे, उसके बाद भी इतना प्रेशर अस्पताल में जो भीड़ लगती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है आपका जो काम है वो रोजगार से हटकर के केवल सेवा का काम है, शुद्ध सेवा का काम है। ठीक है हमारे जीवन यापन के लिए हम इस फील्ड में आ गए, परंतु तो अनेक लोगों को मैं देखता हूँ, नर्सिंग स्टाफ को, महिलाओं को देखता हूँ, रात रात भर अपने घर परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके और उनकी सेवा करती है। इसलिए आप सबको सबको मैं वास्तव में विनम्र हृदय से प्रणाम करता हूँ कि आपने सेवा भाव के माध्यम को अपना करके अपने जीवन में इसको रास्ते को अपनाया। भाई गिरिजी का शायद मेरा अंतिम कार्यक्रम हो, गिरिजी कैसे जोशीले भाषण आपको सुनने को मिलेंगे नहीं। गिरिजी जहां बोलते हैं गहलोत साहब ने इनकी बहुत बड़ाई की, ध्यानों को मंच पर उन्होंने बड़ाई की थी, और ये बिल्कुल सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं कभी, मंच पर भी सत्य को बात कहेंगे और इनको बात कहने के शायद इनको कितनी दुश्मनी बोल लेनी पड़ी है मैं जानता हूं अच्छी तरह। इसके बाद भी कहते रहे बिना कह चुके नहीं, एक बार तो ना बोला के सम्मान किया। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नर्सिंग ऑफिसर मंच पर पधारे। बड़े लम्हों के बाद वो मुकाम आया है कि मेरे कलम पर आप श्री का नाम आया। अब मैं अभी मारवा भोपाल राजकीय चिकित्सालय डॉक्टर आर एन सुमन सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहिए सर। कार्यक्रम शुरू होगा ऑर्केस्ट्रा का, सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय धर्मनारायण जी भाई साहब के साथ ही विजय प्रकाश विप्लवी यहाँ विराजमान है, मैं निवेदन करूंगा मंच पर आकर के हमारे अधीक्षक महोदय से सम्मान प्राप्त करें। भाई श्री विजय प्रकाश जी विप्लवी, आप सब लोगों से निवेदन है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें आप भेजें। Hello.
विधायक मावली श्रीमान धर्मनारायण जोशी साहब, एमबी हॉस्पिटल की दक्षिण अधीक्षिका तालू मैडम, मार्टिन मैडम पन्नाधार हॉस्पिटल से श्रीमान शुक्ला जी ढाकर साहब, जीएनएम नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल जी डानो, हमारे कॉलेज ऑफ बीएससी नर्सिंग के प्रधानाचार्य पवन जी, प्रेसिडेंट आर एन ए प्रवीण जी, प्रेसिडेंट आर एन ए, अब जो आगे घटेंगे आप लगा लेंगे फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड, ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रीमान आमेटा जी, भूपेंद्र जी सर, हॉल में विराजमान आज सभी महानुभाव, सभी हॉस्पिटल के उदयपुर शहर के नर्सिंग स्टाफ। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा आज के दिन की, इंटरनेशनल नर्सेस डे, नाइटिंगेल्स डे, लेडी ऑफ लैंप डे, आप जो जो इनके लगा सकते हैं अलंकरण, रियली हमें अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हम मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन होता है जहाँ पे हमेशा कोई न कोई पीड़ित आता है, यहाँ पे पीड़ित मानव की सेवा का मौका मिलता है। और जो नाइटिंगेल्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं या कोई भी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि उनके बारे में समाज में जानकारी हो, उनके बारे में गर्व की जो बातें हैं, जो उनकी मर्यादा की बातें हैं, जो उनके आचरण हैं, उनके आचरण के ऊपर, उनके पच्चीनों पर हम सबको चलने का मौका मिले। हम ध्यान रखें इन चीज़ों को कि किस तरीके से नाइटिंगेल्स ने एक टॉर्च बियरर की तरह मरीजों की सेवा की। मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूं अपने आभारी नर्सिंग स्टाफ के ऊपर, राणा गोपाल अस्पताल कि जिनकी बदौलत से ये महाराणा गोपाल अस्पताल यहाँ पे बहुत ही सुंदर अनुकरणीय सेवा दे रहे हैं पिछले कितने सालों से, और खासकर जो मेरा अनुभव है 3 साल का पिछला, जिसके अंदर हमने कोविड की जंग जीती है। और कोविड की जंग आप सबको मालूम है कि राजस्थान में उदयपुर का मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन रहा है, और उस जंग के अंदर जो कहते हैं अभी बात चली थी कि डॉक्टर्स ब्रेन कहलाते हैं इस चीज की मेडिकल प्रोफेशन में, पर असली बैकबोन जो होता है नर्सिंग स्टाफ है। किसी भी लेवल की व्यवस्था हो, चाहे वो वार्ड मैनेजमेंट की लो, चाहे पेशेंट मैनेजमेंट की लो, चाहे कोई प्रोसीजर की लो, हर चीज में जो योगदान है वो रियली एक अनुसरणीय सराहनीय है योगदान आप जो उनका जो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर। मैं सैल्यूट करता हूँ आपके जज्बे को, आपके साहस को। और वो दिन मुझे अच्छी तरह याद आता था जब ड्यूटियाँ लगाते थे कोविड के अंदर, और आप लोगों ने किस तरह से अपने घर परिवार से दूर रहकर के, ज़्यादातर इस प्रोफेशन में हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में फीमेल होती है, 70% पॉपुलेशन हमारी फीमेल की होती है, और वो फीमेल पॉपुलेशन कोविड के अंदर अपने घर से दूर, पति से भी दूर, बच्चों से भी दूर, और बच्चों से मिलने के लिए भी हम तरसते थे कई बार। आप लोग मेरे को अच्छी तरह ध्यान है कि मेरे को 2 साल के छोटे बच्चे को छोड़ के आना पड़ रहा है, 3 साल के बच्चे को छोड़ करके नाइट करनी पड़ रही है, बच्चों से भी दूर, और इवन कई बार हम मिलने के बाद में भी नहीं मिल पाते थे, क्योंकि शुरू में ऐसा लगता था ये बीमारी बड़ी अनटचेबिलिटी किसी बीमारी है कि छूट गया तो पता नहीं मेरे बच्चे को हो जाएगा।
बड़ी विचित्र स्थिति थी और उस दौर में आप लोगों ने जिस तरीके से अस्पताल का साथ दिया, मैं आभारी हूँ हम सबका। हमारे नर्सिंग हॉस्पिटल एक जान है इस महाराणा गोपाल अस्पताल की, और अभी आप सबको मालूम है कि हम NABH एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोर देन 12 लाख 12 लाख से ज़्यादा हर साल की OPD को देखते हैं, 1 लाख से ज़्यादा मरीज यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं इस महाराणा गोपाल अस्पताल के अंदर। इन सब में एक अहम योगदान होता है और जो योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आज की जो इंटरनेशनल नर्सेज की जो थीम जो है, आप सभी को मालूम है कि आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। हम यूजुअली कहते थे पहले आज का जो हमारा बच्चा कल का भविष्य होगा, ज्यादातर हम एक डायलॉग सुनते थे कि आज का जो हमारा बच्चा कल का भविष्य होगा, और मेडिकल प्रोफेशन में जो आवर नर्सेज जो है आज जो है वो कल हमारा फ्यूचर है, भविष्य हमारा फ्यूचर। जो आज जो डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके लिए कहा जाता है मॉडर्न नर्सिंग। जो मॉडर्न नर्सिंग जो इंडिया जो आज की जो नर्सिंग स्टार जो है जिसपे है वो मॉडर्न नर्सिंग का कंसेप्ट दिया था नाइटिंगेल से। पर मैं आज इस अवसर पे आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, मॉडर्न तो हम हैं ही, आप सब लोग मॉडर्न हैं, क्योंकि इस जमाने में इस समय में इस प्रोफेशन में आप बिल्कुल चूज करके आए हैं, इस प्रोफेशन को सेवा के लिए आए हैं। बट मैं ये साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम मैं कहना चाहूँगा मॉडर्न के साथ एडवांस नर्सेज भी बनना। जो कहते हैं कि गुरु गुड़ रह जाता है चेला शक्कर बन जाता है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मॉडर्न के साथ साथ एडवांस नर्सेज होंगी, और जिसके जो आज जितना अपडेशन की हमको ज़रूरत है हर चीज़ में फील्ड में। आपने देखा कितनी स्पेशलाइजेशन ब्रांच खुलती नर्सिंग के लिए, OT नर्स, ICU नर्स, डायलिसिस नर्स, अलग अलग स्पेशलाइजेशन खुल गई हैं, हर चीज़ के अंदर स्कोप हो गया। आप भी PhD करके आगे बढ़ सकते हैं, आगे करियर को अंजाम दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मॉडर्न के साथ साथ डेफिनेटली एक एडवांस नर्सिंग रूप में भूमिका निभाएं। ये अस्पताल महाराणा गोपाल अस्पताल आपका है, आप ही की बदौलत यहाँ पे इतने मरीजों को सेवाएं हम दे पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस जज्बे के साथ में अभी तक आपने यहाँ पे सेवाएं दी हैं वो जज्बा अपना बनाए रखेंगे, इस अस्पताल के साथ अपना भावनात्मक लगाव, मरीज के साथ अपना भावनात्मक लगाव, हमें सिर्फ सिंपैथी नहीं एक एम्पैथी के साथ चलना होगा कि काश इसकी जगह में हमको कैसा होगा, और इसी भावना के साथ मरीज की हम सेवा करते रहेंगे। तो उम्मीद करें कि ये महाराणा गोपाल अस्पताल बहुत और आगे ऊंचाइयां छूने को तत्पर है। मैं आप सभी को पुनः बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे मदद में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रिंसिपल सर जो कि अभी हरिद्वार में हैं, उन्होंने नर्सेज दिवस पर हम सबको शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित की हैं, और हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी मीणा साहब भी यहाँ नहीं है, उन्होंने भी शुभकामना ढेर सारी बधाई प्रेषित की है। हमारे बीच में हरिजी राजानी सर पधार चुके हैं, आप मंच में आए सर, 2000 का स्वागत अभिनंदन करें। अब हमारे सारे चीफ गेस्ट से निवेदन है, सारे चीफ गेस्ट से निवेदन है कि आप शुक्लाल जी ठाकरे साहब, अमित जी डामोल, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्सिंग ऑफिसर, मैं अंतरराज्य
श्री नर्सेस दिवस पर आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ तथा आशा कर क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा कॉलेज परिसर में भी प्रोग्राम थे, थोड़ा लेट आया हूँ। नर्सेस डे की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। सभी वक्ता अपनी बात रख चुके हैं, शायद प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज में 98 में जब हमने नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत करी, आज करीब राजस्थान ही नहीं गुजरात के अंदर हमारे उदयपुर के कम से कम 30,000 से ज्यादा बच्चे हैं हर हॉस्पिटल में। जब हम अहमदाबाद के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, सूरत में जाते हैं, यहाँ उदयपुर में आरएनटी में आते हैं, तो हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं, जिस तरह से हमारे पास आके वो हमें चरण स्पर्श करते हैं, सबसे बड़ी कमाई हमने अगर की है नर्सेस डे पर ये की। हमारा स्वाभिमान है नर्सिंग, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ बीएनसीसी के प्रिंसिपल साहब आदरणीय सुशांत जी डॉक्टर साहब, जोरदार ताली बजा। बिराजे हुए हालांकि अभी अपने विशेष मेहमान जो थे वो उनके कार्यक्रम के वजह से निकल चुके हैं। आज जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, नर्सेस डे डोरेस नाइटिंगेल के लिए, अगर उनके जीवनी पे प्रकाश नहीं डाला तो इस प्रोग्राम की जो है महत्ता वो थोड़ी कम रहेगी। मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीने पे संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो पर्व है इंटरनेशनल नर्सेस डे, ये पहली बार 12 मई 1974 को मनाया गया और उस समय संक्षिप्त में मनाया गया था। उसके बाद अनवरत इसमें विस्तार होता गया और आज अपन सभी यहाँ इसको मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और मना रहे हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के एक सब्रान एवं रईस परिवार फ्रांसिस नाइटिंगेल एवं विलियम शॉर के घर पर 12 मई 1820 में हुआ था। 1844 में जर्मनी के लूथरल अस्पताल के नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र पर इन्होंने प्रवेश किया और अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया। 1850 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल लंदन आ गई एवं मिडलसेक्स अस्पताल में नौकरी प्रारंभ कर दी। उनके अच्छे कार्यों एवं कर्तव्य प्रणता को देखते हुए उन्हें मात्र 1 वर्ष में नर्सिंग अधीक्षक बना दिया गया। अक्टूबर 1853 में क्रीमिया युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध ब्रिटिश ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण के रूसी साम्राज्य के खिलाफ था। उस समय कोई भी महिला नर्सिंग अस्पताल में नहीं थी। 1854 के अंत में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सचिव सिडनी हर्बर्ट का एक पत्र मिला, जिस पर उन्होंने 34 नर्सिंग महिलाओं का एक दल लेकर साथ लेकर क्रीमिया गई और वहां अपनी सेवा शुरू की। वहां पर अंधेरे में वह एक दीपक लेकर सभी की सेवा और देखभाल करती थी, इसी कारण इनको लेडी विद द लैम्प कहा जाने लगा। इनका दूसरा नाम क्रीमिया की परी, क्रीमिया की परी के नाम से भी कहा जाता है। क्रीमिया युद्ध समाप्ति पर 1856 में वह अपने घर लौट आई। 1908 में 88 वर्ष की आयु में उन्हें किंग एडवर्ड द्वारा सम्मान योग्यता प्रदान की गई। अगस्त 1910 में वह बीमार हो गई एवं 13 अगस्त 1910 को वह 2 बजे लंदन में इस दुनिया से अलविदा हो गई।
अब मैं समारोह के अंदर कुछ अपने यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं या समस्याएं हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे वरिष्ठ साथियों ने काफी कुछ बोला है। आज इस ऑडिटोरियम में ये समारोह हो रहा है, ये जट महाराज और ये सारी चीजें जो है, ये स्थान नर्सी बॉयज हॉस्टल का ग्राउंड हुआ करता था और इस ग्राउंड के ऊपर ये ऑडिटोरियम बना दिया गया, परंतु इसकी आईबी हो रही है आरएनडी मेडिकल कॉलेज को, लेकिन जो नर्सेज बॉयज हॉस्टल है आज भी वो खस्ता हाल में है। और इसके साथ ही नई एक दुविधा और है, हालांकि हमारे प्रशासनिक अधिकारी बीच नहीं है, लेकिन हमारे वरिष्ठ साथी लोग सारे हैं यहाँ पे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि नर्सेज गर्ल्स हॉस्टल जो है 1950 में कमला नेहरू हॉस्टल बना था, उसको भी तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे पीजी गर्ल्स मेडिकल का हॉस्टल बनाया जा रहा है। आज की स्थिति में वहाँ पे वार्डन का जो क्वार्टर है वो भी तोड़ दिया जा रहा है, वहाँ कोई वार्डन नहीं है, सिर्फ गार्ड के भरोसे 24 आवर्स नर्सेज का हॉस्टल को देखा जा रहा है। और इसके साथ ही आज जो दोनों प्रवीण जी और पवन जी ने मिलकर ये प्रोग्राम किया, मैं उनको इसके लिए एडिशन बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जयपुर में भी इस प्रकार का अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से नर्सेज का भला हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण मांग जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की जो है, ग्रेड पे 4800, 5400 एंड 6000 तक वो लोग जाते हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपति दर्जा नहीं मिलता है, यही स्थिति नर्सिंग ट्यूटर की भी है। अगर ये दर्जा बिना किसी वित्तीय भार के अगर नर्सेज सीनियर ऑफिसर्स को नर्सिंग ट्यूटर को मिले तो जब आप सेवानिवृत्त होते हैं, क्योंकि प्रमोशन के बहुत कम चांस होते हैं, अगर आप सेवानिवृत्त राष्ट्रपति पद से होते हैं तो एक बहुत सम्मानजनक होगा ये। और आपने मुझे इसके लिए सम्मान दिया यहाँ बोलने के लिए, इसके लिए सभी को धन्यवाद, आप सब पता है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। साथियों आपके समक्ष एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति लेख चुके ऑर्केस्ट्रा द्वारा दी जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे सभी कलाकारों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे लेख चुके ऑर्केस्ट्रा सेक्टर प्रमुख वाहन आशीष से इकबाल जी, उसे जोरदार स्वागत है हमारे की बोर्ड प्लेयर है शहजाद खान जी, असलम मोहम्मद जी, गणपत राव जी, कोऑर्डिनेटर पे मोहसिन खान जी और दीवाना साउंड तपासन से साउंड ऑपरेटर इलियास जी, मैं चाहूंगा आप इन सभी का तालियों के साथ
बहुत बहुत ही धन्यवाद आकर्षक प्रस्तुति। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सानिया गंधर्व जो हमारे हरिलता सिस्टर की पुत्री है, वेलकम स्टेज। ये आसमान ये बादल ये रात तेरी हवा
हमारे बीच सायरा से जलसा जी छोले की बता रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी से उनका प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर स्वागत करें। एक बार जोरदार के लिए तालियां बजाएं। आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल से सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू सर। लिखी दी I'm gonna make you mine।